विनोद जी की गाड़ी रेडी है और चल दिए हैं अब हम नैनीताल की तरफ। ये देखिए भाई हमारी चल दी गाड़ी, तो हम रह गए हैं यहीं पे दोनों माँ बेटी और ये लोग जा रहे हैं भाई। तो भाई चल पड़े हैं और सीट इस बार चेंज है, आगे बैठो। और विनोद जी है साथ में, भैया तो माँ दिख रही है, विनोद जी नहीं दिख रहे हैं, और हम हैं पीछे। तो भाई अब जा रहे हैं हम नैनीताल, आज रुकेंगे नैनीताल है भाई, तो चलिए चलते हैं। बोल हाँ भाई, माँ जी बोल रही है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बोलो आप प्लीज ऐसे ऐसे लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया, हाँ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई, माँ जी बोल रही है। और मेरा भाई मेरे को कह रहा था बहन दो दो घंटे की वीडियो बनाई हो, बताओ भाई दो दो घंटे की देखोगे तो मैं दो दो घंटे की वीडियो बना देती हूँ घूमने की। वो कह रहा है मुझे एक एक सेकंड देखनी है। मैंने कहा भाई तू तो देखेगा, औरों का तो नहीं पता देखेंगे क्या करेंगे, तो प्लीज वीडियो को वॉच जरूर करें ताकि फिर हम जल्दी नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के। अगर हमारे ये व्लॉग्स के व्लॉग अगर अच्छे लगेंगे तो दो महीने बाद तीन महीने बाद दो दिन का ट्रिप फिर से बना लेंगे भाई, तो प्लीज बताएं कि कैसे लगे। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ये नैनीताल शहर। अब पीछे जंगल था पूरा, ग्रीनरी ग्रीनरी, और अब यहाँ से जो है वो नैनीताल शहर स्टार्ट हो गया है, मतलब भवाली आया है अभी, तो ये भवाली है पहले है ना, हाँ भवाली है ये, मतलब शहर स्टार्ट हो गया है यहाँ से, पहले आया भवाली। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कितने घर बिल्डिंगे होटल्स, ये देखो अब पूरा, रात को मैंने आपको जैसे लाइटिंग में दिखाया था वो पीछे वाले ब्लॉग में दिखेगा आपको देखने के लिए। देखो भाई मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम से बादल हो चुके हैं। वहां से निकले थे कितनी अच्छी धूप थी, रास्ते में भी धूप थी और अब एकदम से बादल, और अभी हम कुछ लोग गड़बड़ है पता नहीं ऐसा हो रहा है अजीब सा बारिश जैसा। और अभी नैनीताल है 5-6 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर है, 35 मिनट्स लगेंगे, अभी 35 मिनट और रहते हैं नैनीताल पहुंचने में, लेकिन मौसम जो है वो जो चेंज हो चुका है बिल्कुल, देखो अंधेरा अंधेरा सा हो गया, चुगल बजा गया, चुगल बजा गया। चलिए चलते हैं भाई धीरे धीरे। देखो भाई नैनीताल शहर भी आ गया है, देखो पूरा कितना वो है, मतलब शिमला भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल एक मकान के ऊपर दूसरा मकान है, जैसे दूसरे के ऊपर भीड़। भाई ये है नैनीताल की झील जिसमें हमने कई बार बोटिंग कर ली है। वैसे अगर मुकु को इसमें डाल देना मुकु तैर सकती है क्योंकि उसके पेट में पहले इतनी हवा है कि वो उसको ऊपर रखेगा। अगर तो देखो मैंने देख लो सुन लो भाई, दोनों बहन भाइयों की बातें भी सुन लो, अगर मैंने देखो इस झील में धक्का दे दिया ना हमेशा हमेशा के लिए नीचे डूब जाएगा और तू ऊपर डर भी रहेगी पेट के, तो मैं बच्चे जाऊंगा मछली बन जाएगी तो मम्मी वाली पैडल वाली बोट चलाना आ जा। अरे ना रे मेरे तो ये साइड में लग भी कौन है पैडल वाली ना, मन मेरा वेट ठीक है भाई को ना करना, मैं वेट जिम कर का हाँ आड़ में वो वेट करवाओगा बताइए मेरा, हाँ बीच में अटक के बैठ जाएंगी मम्मी, तो बीच में अटक के मम्मी लेके जाएंगी, ओ बीच में खड़ी रहूं और आया था वो अभी। नेक्स्ट होटल पे पहुंच चुके हम, ये रहा अब हमारा नेक्स्ट, अभी हो रही है रूम्स वगैरह क्लिनिक, रूम्स की क्लीनिंग, क्योंकि हम करेक्ट 12 बजे जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ से व्यू, और ये पूजो की हालत कल जैसी थी, देखो ऐसे ये देखो, इस बार ये बता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है, और अब तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठे हैं।
आगे मेरे बच्चे बैठ चुके हैं, ये मुक्कू, इधर विनोद जी हैं, माँ जी हैं, और ये यहाँ से इनका ऐसे, और इनका पेट अलाउड जो सेक्शन है वो नीचे है, नहीं तो ये बाकी रूम्स वगैरह ऊपर भी दे देते, लेकिन पेट के चक्कर में हमें रूम नीचे ही मिलेगा, क्योंकि वो ये दरवाज़ा बंद करके रिजर्व कर देते हैं फिर, कि पेट आराम से घूम सकता है फिर वहाँ पे। वो भी नहीं गया, इन्हीं गया बेटा कॉटेज है, नहीं मिल सकते हमें, नहीं पेट के लिए अलग है ना बेटा, हमारे साथ उजो भी तो है, देखो जरा एक दोनों चलो देखो कौन जीतेगा, करो मुक्कू, नहीं नहीं भैया कर को करके दिखाओ, देखो मैं सूट कर रही हूँ, देख लो जो जीतेगा वो वीडियो में रिकॉर्ड होगा, ये देख लो वीडियो, एक दो तीन दो आते हैं और फिर भी नीचे नहीं ले जा पा रही, वापस रिकी में एनर्जी आ गई है, इसे तो मैं नहीं था बाय, तूने रात में उड़ दिया एकदम, मैंने जान नहीं लगाई, चीटिंग कर दी रिकी के, मैं जीत गया, मेरा रूम मिल चुका है, अब देखो इसकी एनर्जी, ये रहा बहुत छोटा सा है लेकिन इनके पेट के सेक्शन के ये देखिए ये क्या हरकत है, मेरा ना स्प्रिंग वाला हो बोर्ड टूट गया ना, अच्छा ऐसे देने पर है ये इतना वाला है, मेरा लगा वैसे वाला हो चल, और ये मैं और इधर बोशो सही है, मतलब साफ सुथरा, देखो भाई जिसमें परमानेंटली आते थे उसमें अब डॉग अलाउड बंद कर दिया तो चेंज करना पड़ा, देखो भाई वेदर एकदम से क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया, और इनका वो दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इनका रिसेप्शन, यहाँ पे भी टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं चाय कॉफ़ी डिनर के लिए, और ये बाहर भी इनका है इधर से और ये ऊपर स्टेयर्स, यहाँ पे अभी हम अपना करेंगे लंच, हमने परमिशन ले ली है पूजो को बिठाने की तो पूजो भी आ चुका है, और ये इधर इनका किचन एरिया है या रेस्टोरेंट टाइप, बूफे वूफे भी शायद से यहीं पे लगते हैं, हाँ हाँ यहीं बैठना है बेटा, इसको नीचे अपने टेबल के नीचे बिठा लो, इसको भी बैठ जाओ माँ, बाहर का मतलब ठीक है, ऊपर और भी रूम है देख के आऊँगी, लेकिन अभी डॉग की वजह तो नीचे ही मिले भाई हमें, इन बार का एरिया काफी अच्छा है, और ये साथ वाला होटल उसमें घुस गए थे वो भी इन लोगों का ही था, लंच आ चुका है कर लीजिएगा लंच, दिखाओ उनको इधर दाल रायता चावल रोटी, ये लो निकल लिए हैं तीनों चारों, अब जा रहे हैं माल रोड, माल रोड देखते हैं, लंच वगैरह कर लिया, सही है ना, हाँ किधर से जाना है जी, यहाँ से चलते हैं ना, ये ऊपर कितनी ऊंची चोटी है देखिए है ना, ये भी इन्हीं का होटल है जिनके कॉटेज में हम हैं, उनका भी उनका ये भी है, जा तो रहे हैं, आते टाइम हमारे सांस फूलेंगे, देखो आएंगे किस तरह से, क्योंकि अभी जाते टाइम तो भागे 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 जा रहे हैं सारे, देख लो इन दोनों की हरकतें देख लो तुम, और दोनों बहन भाई बिल्कुल सेम हो गए हैं, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक वो बेटा, मैं तो घर तेरे रख आई थी, तेरे में रख ले आई थी, मन की वजह से सेम हो जाएंगे, नहीं सही है बड़े बड़े हो गए तेरे की, लव नहीं कर कटवाई, ये भाई हाई कोर्ट है इधर, ये नैनीताल हाई कोर्ट, सो उधर
और बहुत सारे होटल और ब्लॉग बनाने के एज यूजुअल मेरी ड्यूटी भाई, इसलिए आप लोगों को मैं कम दिखाई दूंगी, ये लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। वो होटल जिसमें हम पहले रुकते थे और अब इसमें पेट अलाउड बंद कर दिया। तो ये आनंद भैया हैं जो आगे जा रहे हैं, ये हमें रूम दिखा रहे हैं कि चेंज कर दिए हैं, नेक्स्ट टाइम आप इधर आना बैठ के वगैरह आओगे। तो ये देखो भैया हम यहाँ आते थे इतने बड़े रूम में, हाँ यहाँ पे अपनापन लगता है क्योंकि यहीं पे आते थे ना, लेकिन फर्स्ट टाइम चेंज किया है। तो भैया मेरे बच्चे भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनापन लगता है मम्मा, वहाँ ले लिया चलो ठीक है घूमने आना था, लेकिन यहाँ वाली बात नहीं है। यहाँ वाली बात नहीं, वो हाँ। चीज वही है ना, जैसे कि आप हमने सब रेस्टोरेंट में पकड़ गया ब्रेकफास्ट डिनर, उसमें देखो कितने साफ वॉश यही आते थे भाई, सिस्टम कर दिया। तो यहाँ पे आग जलवाते थे अगर सर्दियों में, खूब सर्दियों में आएंगे भाई कभी। ये इधर दूसरा वॉशरूम, ये भी वॉशरूम होगा ना भैया? हाँ दो वॉशरूम। मेरी पब्लिक मुको ये माल रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई, चल चल के पैर टूट गए। अब देखते हैं ताल जो मैंने आपको आते टाइम भी दिखाई थी। देखो भाई नैनीताल की भीड़, इतनी भीड़ में विनोद जी कभी पसंद नहीं करते, अभी दो मिनट में भगा ले जाएंगे वापस। देखो भाई यहाँ होती है बोटिंग, अगर किसी को करनी है तो आगे कर सकता है, हमने कर लिए कई बार तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हर साल आते हैं भाई। देखो ये आपको अगर मछलियाँ दिखाई दे रही हैं तो ये यहाँ पे लोग उनको खिला रहे हैं तो वो आ रही है उनके पास। ये देखो ये आ रही क्रैक्स खा रही है और ये जो बच्चे खाते हैं देखो झगड़ा हो रहा तो मुंह में नहीं, जितने क्रैक्स हैं सारे खा लेंगे। देख 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 हो गया, हो गया तोड़ दिया तो इसको ग्राउंड है भाई, यहाँ पे क्रिकेट विकेट होता है, अभी भी क्रिकेट चल रहा है। मार्केट लगती है आगे शायद से कीर्तन मार्केट भी लगती हो, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इधर आ गई, नहीं तो हम कम आते हैं। अरे वही वाले तो कह रहे हैं ये चाय सुट्टा बार खा ले। थैंक यू भैया। के साथ स्कैम होता है, अमेरिकन सोचा था बड़ा ग्लास आएगा हमारे साथ, ये देखो इसकी कॉफी का ग्लास है यार, देखिए थोड़ा टेस्ट करा दे, उसने भी कराया तेरे को अपना नॉर्मल। भगवान तो कार के खड़े हो गए भाई, और अब जाएंगे अपने रूम पे वापस। शक्ल देखो थक गए भाई, बस थोड़ी रूम पे चलेंगे और फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। मम्मी बेटा घूम रहे हैं, चाय पानी पी लिया जी, सो गए थोड़ी देर आने के बाद भाई, और मैं आई हूँ मुकू को लेके बाहर घुमाने के लिए,
और ठंड लग रही है यहाँ पे भी, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे यार, शॉल वोल डालना पड़ेगा। ले ले ले। ये होटल काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला, और इसके मैंने रूम चार्जेस वगैरह सब पता कर लिए, कभी नेक्स्ट टाइम ये देख लेंगे, नहीं तो मैंने वहाँ पे गए थे रॉयल में, वहाँ पे बात करके आए हैं, वहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि वो भी साफ़ सुथरा ही है। ये देखो यहाँ से पहाड़ और नीला आसमान, और टाइम रखा है 4:30-5 का। यहाँ से जाएगी हम जिसमें रुके हुए हैं वो, और इनका ओनर एक ही है भाई। चाय का टाइम भाई, चाय का एंजॉय करेंगे और घूम फिर आए, आसपास का मुझे दिखाई दे, मैंने कई बार दिखा दिया आपको, भाई थोड़ा शांति से बैठ चुके हैं तो मौसम भाई, और ठंड लग रही है भाई, अपना शॉल पहन ओढ़ लिया है, पजामा पहन लिया है, और टी शर्ट भी थोड़ी ठीक सी है। क्या बता रहा हूँ, वो बैटरी की है भाई, तीनों चल पड़े हैं रात को आउटिंग करने के लिए भाई, और ये रिक्की का बच्चा जिद करके हमारे साथ आया, हम दोनों आ रहे थे। रिक्की का बच्चा नहीं, रिक्की। हाँ रिक्की का बच्चा, हमारा बच्चा रिक्की, विनोद का बच्चा आया है साथ में, रिक्की का नहीं। और मुकू को छोड़ दिया क्योंकि माँ जी अकेली थी भाई। तो चलो भाई देखते हैं आप कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, पर सोच रहे थे बोर हो रहे हैं तो अच्छा घूम ही आते हैं भाई। तीनों चल पड़े हैं रात को आउटिंग करने के लिए भाई, और ये रिक्की का बच्चा जिद करके हमारे साथ आया, हम दोनों आ रहे थे। रिक्की का बच्चा नहीं, रिक्की। हाँ रिक्की का बच्चा, हमारा बच्चा रिक्की, विनोद का बच्चा आया है साथ में, रिक्की का नहीं। और मुकू को छोड़ दिया क्योंकि माँ जी अकेली थी भाई। तो चलो भाई देखते हैं आप कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, पर सोच रहे थे बोर हो रहे हैं तो अच्छा घूम ही आते हैं। रात को ये यहाँ की अंदर वाली मार्केट है मॉल रोड से अंदर, और हम जा रहे हैं सब्जी मार्केट, मसाला और सब्जी मार्केट। अच्छा मसाला और सब्जी मार्केट, भाई विनोद जी को पता है, दिखाना चाहिए जी अपनी शक्ल एक बार, चद्दर वद्दर ओढ़ के, और ये बारह दिल्ली ठंड इतनी है भाई, मैंने नई रिक्की की जैकेट पहन ली थी, और ये मेरा उल्टा सिर हो गया, और ये मेरा साथ आया। खदर मसाले हैं, एक रोड़ी इधर जाता है ये पूरी मार्केट। बोर हो रहे थे भाई, सोचा निकले, ये देखो सब्जी उब्जियां दुकाने शुकाने सब लगा हुआ है भाई। ये देखो भाई ये तोड़ेगी देखो या माँ की क्या ये वाली क्या कौन सी तीनों बाप बेटा छेड़खानी करते चल रहे भाई। म
मक्कू को मना कर दिया गया है चीजी के लिए। चलो अब घर नैनीताल में नाइट का व्यू दस रही है, कितनी अच्छी लाइटिंग लगी है। और ये तीनों बाप बेटा देख कहाँ अटक गए जाके फिर से। राम राम भाई, आज फंस गए इसी जगह है, पूछो मत। माल रोड पर रात ना आगे टैक्सी नहीं मिल रही कहीं भी, ऊपर चढ़ेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। ये देखो बच्चों ने टैक्सी ढूंढते फिर रहे हैं ये। अब मजा आ रहा है, पैदल चल पड़ोगे, टैक्सी तो मिल ही नहीं रही कहीं। हाँ तो विनोद जी क्या कंधे पे ले जाएंगे? अरे हमारे बच्चों देखो बेटा मक्कू टैक्सी नहीं मिलती, पैदल चलना पड़ेगा। पता मम्मी ले लेगी। अरे की तू मुझे पता ले ले। चलो भाई ठीक है, अब होटल में मिलते हैं भाई, देखते हैं टैक्सी मिलती है या कोई बाइक मिलेगी। बाइक पर तो कहाँ से आएंगे, ना तो फिर पैदल जाएंगे या कोई टेम्पो करना पड़ेगा। पहुंच गए और यहाँ पे हो रहा है लाइव म्यूजिक, लेकिन भाई यार बना लूँ वीडियो फिर डर लगता है कि कॉपीराइट आए और साउंड आपको पीछे से अभी भी आ रही होगी, तो मैं रूम में ही जाती हूँ। और मैंने इतना प्यारा डॉगी देखा, हाय उसको मैंने हाथ लगाया, इतना सॉफ्ट, उसका नाम पिया, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारी। और उसको वो गोदी में लेके जा रहे थे कहीं, बहुत अच्छी लग रही थी। दिखाऊंगी अगर म्यूजिक बंद हो जाएगा दोबारा से। रात में बोन फायर और सब होटल वाले यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं सब बैठे हुए हैं। बोन फायर दिख रहा है और इधर माँ जी भी बैठी हुई है। ये विक्की और विनोद जी और मैं भी बैठी भाई, मजा आ गया। रिक्शा वो टैक्सी मिल गई, फटाफट से पहुँच गए और इंजॉय कर रहे हैं। अभी शायद से 9:30 तक है, उसके बाद डिनर करेंगे। पास से उठ के ठंड लग गया, देखो भाई खाना लगवा दिया हमने अपना ताकि हम खाना खा लें और पूजा को भी खिलाएं।